आज की करारदाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ये एक ऐसा मसला है जो 72 साल से चलता आ रहा है और अब तक इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा। दानस्ता या गैर दानस्ता, इसमें तो कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिससे इनको मुसलमानों से खौफ है। मैं तो सीधा कहूँगी कि यहाँ पर जितने भी लोग शहीद हो रहे हैं वो मुसलमान हैं, और इस्लाम हमें दर्स जो देता है वो अमन का देता है। तो हमारे मज़हब ने कभी नहीं सिखाया कि हम टेररिज्म की तरफ या कोई ऐसा काम करें जिससे दूसरे किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी मज़हब का हो, उसको तकलीफ़ पहुँचाएँ। तो 72 सालों में जो इंडिया इस वक्त कर रहा है, वो जो ज़्यादती पूरी दुनिया देख रही है, तो मेरा तो ये ख्याल है कि सारी दुनिया आँखें बंद करके क्यों बैठी है। वहाँ छोटे मासूम बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पर औरतों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, वहाँ बूढ़ों के साथ जो ज़्यादती हो रही है। कुछ दिनों में हम जो कर्फ्यू, जो एक साल से ये कर्फ्यू का समय है, हम सिर्फ चंद दिनों कोरोना की वजह से घरों में रहे, तो हमें कितनी तकलीफ़ हो रही थी कि हम घरों में बंद हैं, बाहर नहीं निकल सकते। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम कश्मीरियों का सोचें कि वो एक साल से इलाज के लिए बाहर नहीं निकल सकते, किसी रोज़गार के लिए नहीं निकल सकते, किसी भी ज़रूरत की चीज़ के लिए बाहर नहीं निकल सकते, तो क्या ये उनका हक नहीं बनता, उनका राइट नहीं बनता कि इस वक्त पूरी दुनिया उनको सपोर्ट करे और उनको आज़ादी दें, जो कि उनका एक हक है। एक कुछ दिनों से मैं टीवी पे देख रही थी, एक सियाफाम अमेरिका में मारा जाता है एक वाइट के हाथों, तो उस खबर को तो बहुत ज़्यादा उजागर किया जाता है पूरी दुनिया में, इसलिए कि वो एक अमेरिकन बाशिंदा था। यहाँ पर उससे करोड़ों ज़्यादा लोग मर रहे हैं, 72 साल से मर रहे हैं, और अब तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली है इंडियन फ़ौज ने इनको मारने के लिए। तो क्या यहाँ पर सब आंखें बंद करके बैठे हैं? मेरा ख्याल यूएन में खाली करारदाद मंजूर होने का कोई फ़ायदा नहीं, जब तक कि उस पर आप पेशरफ्त ना करें। हम बहुत सख्त अल्फाज में इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि इस करारदाद को खाली मंजूर नहीं, बल्कि इस पर अमल दरामद होना भी बहुत ज़रूरी है। और हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और इंशाल्लाह उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे।